जय भीम जय जोहार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का भारत दस्तक पे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। सबसे पहली जो न्यूज मैं आपको दूंगा, जिस प्रकार से आपको पता होगा हमारे भारत में जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है, और उसमें भी कौन सबसे ज्यादा हमारे बहुजन समाज के होते हैं और सबसे ज्यादा होते हैं ट्राइब्स के। तो आपको यहाँ पर एक आंकड़ा दे देता हूँ मैं, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है आपके स्क्रीन पर चल रही होगी। भारत 101 रैंक पर आ गया है हंगर इंडेक्स के, जो हंगर इंडेक्स होता है पूरे वर्ल्ड का, उसने भारत 101 नंबर पर, मतलब आप सोच सकते हो कि हमारे देश की स्थिति, वो भी भूखमरी जो होती है जिसे कुपोषण कहा जाता है, जिससे अधिकतर बहुजन समाज के बच्चों की ही डेथ होती है, वो कितना बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि जो आने वाला समय है और ज़्यादा भयानक हो सकता है। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों अगली जो खबर निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। अभी आपको पता होगा यूपी के औरैया में उनकी एक रैली हुई थी कल, जहां पर उन्होंने एक बहुत पुराना मुद्दा कह लीजिए और एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, वो है ओबीसी की जातीय जनगणना। ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग, जिसे हम ओबीसी कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसकी जातीय जनगणना, जिसकी मांग कई सारे बहुजन संगठन, बामसेफ कह लीजिए, कभी कभी राजनीति में बीएसपी भी इसकी मुद्दा उठाती है और भीम आर्मी भी ये मुद्दा अभी उठा रही है। कई सारे बहुजन संगठन पहले से ओबीसी की जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए आए हैं और आगे भी उठाएंगे, लेकिन आज तक जो भी सरकारें रही है, मैं भारत की आज़ादी की बात से बात कर रहा हूँ, जो भी सरकारें रही है, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता दल की रही हो, चाहे अभी बीजेपी की हो, कोई भी सरकार रही हो, आज तक किसी ने भी ओबीसी की, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना नहीं कराई है। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। हालांकि कुछ ओबीसी समर्थक वालों की भी सरकार रही है, जनता दल में कई सारे ओबीसी नेता थे, उन्होंने भी जातिगत जनगणना नहीं कराई ओबीसी की। हालांकि जहां तक दोस्तों मुझे पता है, मैं वहीं तक का बता सकता हूं, अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जहां तक मुझे पता है मैं वहां तक का बता रहा हूं आपको, जितना मुझे नॉलेज है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि ओबीसी की जातीय जनगणना हो या ना हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चंद्रशेखर ने सरकार को, यानी कि मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि आप इस बार जो आने वाले सेंसस है उसमें जातीय जनगणना जरूर कराएं, अन्य पिछड़ा वर्ग की, नहीं तो इसके परिणाम गलत हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं। तो गाइज मैंने जैसा कि आपको बताया कि चंद्रशेखर जी ने बहुत गंभीरता से ये मुद्दा लिया है जातिगत जनगणना का, और बहुत दमदारी से उठाया भी है अपनी रैलियों में। हालांकि अभी यूपी में चुनाव हुए तो ये मुद्दा जरूर उठेगा, क्योंकि यूपी में पिछड़ा वर्ग की अच्छी खासी जनसंख्या है, और अब जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, वो भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। अब आगे जो भी होगा, सबसे पहले आपको भारत दस्तक पर देखने को मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और देखते रहिए। अगर ये भारत दस्तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइए।